और वहां के टीम को उतरकर वीआईपी वहां कोस्टल एरिया में ले लिया है। स्टाफ इंस्पायर करते हुए मंच की ओर बढ़ रहे हैं। यह डिफेंस इफेक्ट पैदा करता है, वीआईपी को प्रभावी सुरक्षा के लिए ले लिया गया है। कोई भी किसी भी प्रकार की अवांछित हरकत ना करे। वीआईपी का वाहन कलाइटिंग पॉइंट की तरफ बढ़ता हुआ अब वीआईपी का वाहन अलाइटिंग पॉइंट पर आकर रुका हुआ। मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने सुरक्षा का जायजा लिया। सुरक्षा का जायजा लेकर वीआईपी को कार से उतारा। लॉन्ग लीड शॉर्ट लीड मैन पीएसओ आईसी एंड टेल पीएसओ आपातकालीन स्थिति में टीम अपने बताए गए जिम्मेदारी के क्षेत्र में आने वाले दुश्मन को खत्म करने की क्षमता रखती है। प्रोसीड। अलाइटिंग पॉइंट सुरक्षा के इतिहास इस बात का गवाह है कि कहीं ऐसे सिनेशन अटैक हो चुके हैं जहां पर हाईराइज बिल्डिंग से सपोज स्नाइपर अटैक हो सकता है। इस लिहाज से अलाइटिंग पॉइंट की सुरक्षा का महत्व और भी बढ़ जाता है। अब स्पॉट टीम 360 डिग्री कवर प्रदान करते हुए वीआईपी को मंच पे लेके पहुंच चुकी है और वीआईपी द्वारा जन समूह का अभिवादन किया जा रहा है। सभी यहाँ पर वीआईपी का ध्यान है कमाला और स्टार टीम ने वीआईपी को टक डाउन करके सुरक्षा घेरे में ले लिया है। बीच से हमला होने पर चौकन अपने अशोक खतरे को चैलेंज करके खुद को खतरे तथा वीआईपी के बीच में लेके आता है तथा सुरक्षा बलों द्वारा मानवीय दीवार बनाकर वीआईपी को 360 डिग्री सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसे इंटरकॉस्ट कहते हैं। बहुत ही तेजी और बुद्धि के साथ